संपूर्ण खबर को आसिबा खोर्धा आयकर अधिकारी घरे सीबीआई रेड आयकर अधिकारी सुमन सुंदर साहू को निजस्व खोर्धा बासभवन गिरफ करी सीबीआई अर्थ तोषारपात अभियोग रे सुमन को गिरफ करा जनापड़ी खोर्धा मेन रोड स्थित शांति ज्वेलरी मालिकों ठारु 5 लाख टंका लांच नेबा बेले सीबीआई द्वारा गिरफ होइछंती गहना दोकानी ठारु पूर्वरु बारंबार लक्षाधिक टंका नेइथिबा बेले आज पुणी 5 लाख टंका लांच नेबा बेले सीबीआई हाथ में धरा पड़िछंती सुमन सुंदर साहू सुना दोकानी को व्यावसायिक कर फांकिबारे सहयोग करबा को एमती लांच नेउथिले एवं व्यवसायी को बारंबार टंका मागिबा सह दशहरा पूर्वरु 10 लाख मागिथिले व्यवसायी देवेंद्र साहू भुवनेश्वर सीबीआई रे अभियोग करबा परे आज 5 लाख नेबा बेले सीबीआई सुमन सुंदर साहू को गिरफ करी तदंत करूछि जीविकार माध्यम साजिश बाउंश चाष जड़े शिक्षित युवक पाठपढ़ा पर चाकरी पछरे न गोड़ बाउंश चाष करी निजे स्वावलंबी होगा 40 परिवार पर जोगाई जीविका दिनक दिन जंगल बाउंश हजिबा को बसिता बेले से सृष्टि करी एक बाउंश जंगल से विभिन्न प्रकार सामग्री या बजार चाहिदा मेटाइबार सहायक हो पार्वर्णपुर जिला वीरमहाराजपुर टेलीपाली देखा रिपोर्ट बाउंश बण छोट बड़ सबुधरण बाउंश भर्ती हो रही ए दृश्य कौन संरक्षित जंगल नुहे बाउंश चाष हो सुवर्णपुर जिला वीरमहाराजपुर उपकंठ तेलीपाली गांव प्रण प्रधान बाउंश बगीचा एठार बाउंश काटी विभिन्न सामग्री तैयारी करुछंति कारीगर डला फुगा कुला सह वन विभाग द्वारा रास्ता पार्श्वर वृक्षरोपण में व्यवहार होता गेबियन तैयारी बाहर को पठाई था सहित स्थानीय बजार चाहिदा को देखी नित्य व्यवहार्य बाउंश सामग्री तैयारी करी निज परिवार प्रतिपोषण करुछंती कारीगर जंगल मान तो आज्ञा बाड़ा मान दौन ढुकना आवागे पर्वत पुड़ जाऊे बाउंश मान क्षति हो बाउंश ना मिलवार बोले तेरीपरि बर्ज प्रधान आज्ञा नौसरे आसिक छुआपिला कुटुम परिवेश चलुजु आम असुविधा सुविधा पछे सब देस जर मूल कथ बोसन आज्ञा हो रे तार पर पानी पवन इना बोरींग फोरींग कर सब आम घर द्वार देजन आउ बहुत बड़ एरिया रुआ है आम 200 लोग इना काम कर सबुद चलुजु आम एठने सबुद बारमासी चलुचु छुआ भाई कुटुम जाक पर सब खटिक खाऊ रोचु बारमासी 8 बार चलुचु इन बंश तो पर्व तो ना आनी हेबार जंगल को छाड़ी देने गेट लगे देली साधारणतः पहाड़िया जंगल में बाउंश देखा मिली था दिनकू दिन यह लोप पाइबारे बसला प्रणव को बापा यह चाष आरंभ करते से जड़े बैंक कर्मचारी थे अवसर पर बाउंश चाष करते बयस हो पुआ प्रणव सबु दायित्व ने एठारु बाउंश राज्यर विभिन्न अंचल को जाउछि प्राय 60 एकर जमि रे बाउंश चासरु वर्षकु 7-8 लाख टंका रोजगार हेउथबा कहिछन्ति निजे आत्मनिर्भर हेबा सहित अन्य कुशली परिवार मानक पई आहार जोगाउथबारु आत्मसंतोष मिलथबा कहिछन्ति इने गुटे बगीचा ते जोगा है प्रधान आयंकर तनु आमे बाउंश काटिगिरि आमर कुटुंब परिवार सब आमे चलुजु आ समान बोरिंग फरिंग करिगिरि आमु घर द्वार होइजन फास्ट बापा यहाँ आरंभ कले बाउंशर चाष आम जानवर आगुरी छोट टाइम आरंभ कले ना बैंक चाकरी करूला समय तक आरंभ कले रिटायर्ड हेल्ला मुझे सब आरंभ चल जाए सब तापर बाउंशर लोक मान कम दौज आ निजे भी आत्मनिर्भरशील हो जन लोक मैंने आम भी भल दुई पैसा पाच लोक मैंने भी दुई पैसा पाच निजे आत्मनिर्भर हो अन्य कुशली परिवार मानक आहार जोगाई थी आत्मसंतोष मिलता कहते प्रणव सुवर्णपुर सत्यवान पुरोहित न्यूज 18 ओडिया मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चित्र आंकी चर्चारे बाउंशुणी नोडाल उच्च विद्यालय छात्र ऋषभ कुमार मेहर बयस मात्र 14 वर्ष हेले प्रतिभारे भरपूर कुनी हाथर स्पर्शे जीवंत हो उठी अनेक फटोचित्र मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सुंदर फटोचित्र आंकी थिबारु तांको निकट को विभिन्न महलर शुभेच्छार सु छुटुछि
भल करी देखंतु ए फोटो सबको मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ठारु आरंभ करी विभिन्न स्टार फिल्म तारका राजनेता महापुरुषंकर फोटो आउ ए चित्र सब देखिले लागुछि कोनोसे एको डिजिटल कैमरा रे फोटो उठा जायछि आउ एही सब चित्र जणे कुनी शिल्पीर हाथ स्पर्श रे जीवंत होइछि। बौद्ध जिला बाउंसुणी नोडाल उच्च विद्यालय छात्र ऋषि मेहर बयस 14 वर्ष हेले प्रतिभा भरपूर रही पिलाटी दिन चित्रकला प्रति आग्रह करी विभिन्न चौखड़ी और पेंसिल माध्यम रे अनेक चित्र आंकी स्वाधीनता संग्रामी महापुरुषंकर चित्र को सुंदर भाव जीवंत करी। सबुठारु आश्चर्य कथा हला से काहाठारु चित्रकला संपर्क में कौन से प्रशिक्षण नहीं नहांती। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 5T सचिव भी के पांड्यान बीजेडी सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास फोटोचित्र अंकन करी मुख्यमंत्री चित्र आंकबार वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होगा पर बीजेडी संगठक प्रणव प्रकाश दास ट्वीट कर शुभेच्छा जनाई कंटामाल विधायक महीधर रणा मध्य सोशल मीडिया रे शेयर करी फोटोगुड़िक विद्यालय गैलेरी रे स्थान पाई पुओर सफलता पाई बापा माँ बेस खुशी मुझे छुआ बल डट पेनसिल धरना खाता पतर टे आस्ते आस्ते करना बनाऊली आईना बापा माँ को देखाऊली से भी कहते बहुत भले ही गला मान नवीन पटनायक फोटो बनइए आर्ग रखाला आर आशा कर समस्त बड़ माँ आशीर्वाद रहा मुई आहरी भल आगे जापर भल चित्र बन पारि मैंने सारा ओडार जो मानने भाइराल होटोटा से गोटे खुशी विषय आउ आग को से ताको सिमती प्रेरणा दिया गले मते लागु जिक से बहुत किछ आकु करि परिबो आपन मन को सहसदा रहिले प्रशासन रो सहयोग रहिले से निश्चय किछ करि परिबो बोली मोर आशा। पाठ पढा सहित कुनी शिल्पी रिसीव चित्रकला रे बहु आगरे जिला स्तर रे बहु पुरस्कार मध्य पाई छंती। नवम श्रेणी रे पाठ पढा सहित चित्र आंकीबार बहुत शौक रहिछि जिला प्रशासन साहाज्य सहयोग कले ऋषिव आहुरी भल चित्रशिल्पी हो सुनाम अर्जन करिपारे बोली कहिछंती तांको मां। मुख्यमंत्री को अनुरोध करी जे से आग को केमिति भल हेबो सेतिपाई मुख्यमंत्री चेष्टा करिवे एवं मु ताकु भी केमिति आग को जीव मु ताकु साहाज्य करी वर्तमान से मुख्यमंत्री फोटो को मध्य अविकल नकल करी आउ सेटा मध्य फेसबुक रे बहुत बड़ बड़ नेता माने ये ट्विटर ट्विट कर से ता जीवन रे बहुत ये चित्रकला आ खेल प्रिय सबुथरे उन्नति हो इता मोर कामना। एते कम बयसरु रिसीव कर प्रतिभा समस्तंक पई प्रेरणादायक होईछि। बौद्धरु शाश्वत दास न्यूज 18 ओडिया। ओडिशा दखल करिव कांग्रेस न बदले 2024 निर्वाचन रे 90 आसन हातेबा नै मिशन आरंभ करिछि प्रदेश कांग्रेस कमिटी। देवगढ़ जिला गस्तरे आसी एभली दृढ़ोक्ति प्रकाश करिछन्ती पीसी सभापति शरद पटनायक। गांठु शहर कांग्रेस दल को सुदृढ़ करिबा पई कांग्रेस पदयात्रा आरंभ करिछि। ए अवसर देवगढ़ शहर रे पीसीसी सभापति सह जिला कांग्रेस कर्मकर्ता भी पदयात्रा करिछन्ती। पदयात्रा जेल छकरु बाहरी देवगढ़ शहर परिक्रमा करथिला परे सेंटर फॉर कल्चर कल्याण मंडप रे एक संवर्धना सभार आयोजन होइतिला। जिला कांग्रेस सभापति उमाशंकर साहू को नेतृत्व रे होइतिबा सभा रे पीसी सभापति शरद पटनायक राज्य महिला सेल सभापति बंदिता परिडा जोग दे दलीय कर्मी को गुरुमंत्र देथिले। बूथ स्तर रे पहुंची उभय केन्द्र एवं राज्य सरकार को विफलता को लोकों को सामना को आनिबा पई कांग्रेस कर्मी को परामर्श देथिले। आमे 2024 निर्वाचन पई गाँव रु आरंभ कर राजधानी पर्यंत समस्त कांग्रेस कर्मी बंधु मान को नहीं करी एमएलए एक्सएमएलए एमपी एक्सएमपी और प्रत्येक क्षेत्र में कांग्रेस शुभेच्छु शुभाकांक्षी मान को नहीं 2024 एक्शन प्लान तैयारी करूँ। जो एक्शन प्लान रही मिशन 90 9 एमएलए अच्छे और 90 एमएलए केमती आसवे जनसाधारण पाखे आम जा पहुँची आगामी दिन में ये लड़ाई चली जो बर्तमान होगा जाऊँगी 9 रु 90 मिशन 90 2024 आशीर्वाद निश्चित भाव में कांग्रेस सरकार गठन हम ओडिशा सरकार मिथ्या प्रतिश्रुति समस्त जाणी सारे प्रति घरे घरे समस्त जाणी सारे कारण दरदाम वृद्धि नियंत्रण करूना महिला जो भाई असुरक्षित अच्छा महिला निर्यातना धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली किंतु एठी बेकार युवक माने बेकार से लोक माने गोटे एबे चिंता कर लेनी जे परिवर्तन रा आवश्यकता अच्छी निश्चिंत कांग्रेस आसीबो ओडिशा हसीबो।
आउ दिनक परे बारबाटी स्टेडियम रे अनुष्ठित हेबो लीजेंड क्रिकेट लीग एथिपई सजेई हेलाणी बारबाटी स्टेडियम टिकट किणीबा पई काउंटर सामना रे पूर्व अपेक्षा अधिक दर्शकों को देखिबा को मिलुची क्रिकेट रो अवसर नैथिले बि समानक प्रिय क्रिकेट खेलाडी को देखिबा पई सुजोग मिलिथिबारु एहाकु हातछोडा करबा को चाहुनांदी क्रिकेट प्रेमी 26 तारिख रु आरंभ होतबा 3टी मैच पई निजो प्रस्तुति शेष करिछि कमिश्नरेट पुलिस आउ गोटिए दिनर अपेक्षा बारबाटी स्टेडियम रे निज प्रतिभार पराकाष्ठा प्रदर्शन करिवे एकदा विश्व क्रिकेट रे कीर्तिमान स्थापन करथिबा क्रिकेटर 50 जण वेटरन क्रिकेट खेलाड़ी को नै आईपीएल ढांचा रे 4टी टीम तयारी होईछि प्रति टीम रे जणे जणे भारतीय को अधिनायक दायित्व दिया जायछि बारबाटी रे आसंता 26 तारिख दिन भिलवारा किंग्स को भेटिबो मणिपाल टाइगर सेइभळी 27 तारिख दिन भिलवारा किंग्स ओ गुजरात जायंट्स मध्य रे मुकाबला हेबो 29 तारीख दिन मणिपाल टाइगर को इंडिया कैपिटल भेटिबो मैच पई शुक्रवार ठारु ऑफलाइन टिकट बिक्री आरंभ होइथिया बेले समय पाखे आसीबा सह एही मैच गुडी कोनी क्रिकेट प्रेमींक मध्यरे उत्साह वृद्धि पाउथिबा देखिबा को मिलिछि निज निजर पसंदर किंवदंती क्रिकेटरनक प्रदर्शन देखिया पई टिकट किणुथिबा कहिछंती क्रिकेट प्रेमी ने मैच तो सियोली भलो हबो आमा सब पुल्ला बनर माने अमर छोडर जो हीरोज माने अछंती तरे सेवाग इरफान पठान समेत अच्छा तो सियोली एक्सपेक्ट कर भल मैच हे और दु तीन टाइम मैच भी देखी सारे आम 15-16 जोटा था से मैंने भल खेल मैंने पूरा फुल डेडिकेशन रे खेलुँ तो देखा सियोली भावुँ भल लगे ना बहुत एक्साइटेड वीरेंद्र सेवाग आसर इरफान पठान आसाइटेड अच्छे सतैश तारीख रिटायर्ड हेले भी जहाँ बेस्ट प्लेयर ना इंडिया रो खेळिंक भुवनेश्वर रे रहणी ठारु आरंभ करी स्टेडियम आसीबा एवं मैच समय रे सुरक्षा व्यवस्था संपर्क रे एक खसड़ा प्रस्तुत करिछि पुलिस पूर्वरु अनुष्ठित होई आसुथिबा मैच गुडीक भड़ी एही मैच पई मध्य बारबाटी स्टेडियम रे सुरक्षा व्यवस्था समान रहिबो मैच पई मोट 40 सेक्शन पुलिस कर्मीक सह 30 जण इन्स्पेक्टर 10 जण एसीपी नियोजित करा जिवो एने ओसीए ओ मैच आयोजन करथुबा संस्था सहित पुलिस समन्वय रक्षा करथुबा कहिछंती कटक डीसीपी पिनाक मिश्र ए मैच तीन दिन काल लीग मैच खेल बारबाटी स्टेडियम एवं तापाई आम व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर बारबाटी स्टेडियम जो मैनेजमेंट ओसीए जो मैनेज कर स्टेडियम सहित एवं ये कंपनी जो लीजेंड लीग प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सहित आम बैठक होगी फुल पुलिस अरेंजमेंट कर आसंता अक्टोबर 5 तारीख में बारबाटी ही टूर्नामेंटर फाइनाल मैच कराइबा पई आयोजक प्रस्ताव देछि किंतु दुर्गा पूजा समय रे एही आयोजन करा जाई पारिबो बा नाही सेनी पुलिस पक्षरु विचार विमर्श करा जाउछि कटकरु नवेश महांती न्यूज 18 ओडिया हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज हेले अभिनेता बाबूशान पत्नी तृप्तिंक सह बाहरिले डाक्तरखानारु असुस्थ बाबूशान को देखिबा आज हॉस्पिटल ले पहुंचीथिले पत्नी तृप्ति शतपथी असुस्थता कारणरु किछि दिन हेला से हॉस्पिटल ले भर्ती होइथिले बाबूशान भर्ती होइथिले हॉस्पिटल एवं तांकर आगामी फिल्म दमन रो प्रमोशन पई लद्दाख जाइथिले बाबूशान सेठारे तांकर देह खराब होइथिला कुहा जाउछि कि तांकर ऑक्सीजन कमी जाइथिला तेबे से भुवनेश्वर फेरी आसीबा परे तांकु तुरंत एठाकर एक घरोई हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइथिला प्राय 3-4 दिन हला चिकित्सित हेबा परे आज डिस्चार्ज होइछंती तो बाइक राइड रे जाइथले बले आबे देखुतलु समाज फील करथले तो बाइक राइड रे ही प्रॉब्लम हला 60 किलोमीटर बाइकली 200 किलोमीटर फिल्म रो फिल्म पे भाई फिल्म रो प्रमोशन करियो जाइथले एबे कोन कहिया पई चाहेबे बडा हॉस्पिटल जो माने फैन माने रो ठीक अछि मु साम हॉस्पिटल रो सब स्टाफ धन्यवाद भाई तुमे नै मु घर रे बसु हां एबे देखिने बा शारदीय दुर्गा पूजा को नै हमर स्वतंत्र सेगमेंट अलौकिक शक्तिपीठ कलाहांडी जिला जयपाटणा अंचलर अधिष्ठात्री देवी मा डोकरी मा डोकरी उपरे अंचलवासींकर रहिछि अगाढ़ विश्वास आस्था एवं विश्वासर प्रतीक होउछंती मा डोकरी शाक्त तंत्र धारार एक बृहत् स्रोत अभिचार तंत्र धारा एबे भी कलाहांडी जिल्लार देखिबाकु मिले
ଏହି ଧାରାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଲୋକାଚାର ଭିତ୍ତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ମା ଡୋକରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପ୍ଲାବିତ ହୁଏ ମନ୍ଦିର ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ସେହି ରକ୍ତକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାଘ ବି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚାଲି ଆସେ। ଯେଉଁ ବାଘ ଆସିଥାଏ ସେହି ବାଘକୁ ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ମା ଡୋକରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମପାଣି ସ୍ଥିତ ବୁଢ଼ା ରଜା ପାଖକୁ ଯିବାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମା ଝଲା କାଦତେ ଘୋଡ଼େଇ କରି ଆମପାଣି ବୁଢ଼ା ରଜା ପାଖରେ ଆସେ। ଆମପାଣି ବୁଢ଼ା ରଜା କିଏ? ମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଆଜି ବି ତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ ଧଳା ଚାଦରଟା ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଯିବେନି, ସେ ତ ମହାଶୂନ୍ୟା, ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ାରଜାଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ କି ବର୍ଷକେ ଥରେ ମା ଡୋକରୀ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି। କୁନ୍ତଲପଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛେ, ସେମାନେ କି ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ମାଟି ତୋଳ ମା ବାହାରିଥିଲେ। ଯେମିତି ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଶାଳବଣର ଦେବୀ, ମା ଡୋକରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାଉଁଶବଣର ଦେବୀ। ମସ୍ତକ ବିହୀନ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କରାଯାଏ ମସ୍ତକ ସ୍ଥାପନ। ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ରାତିରେ ଚାଲି ଆସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ବାଘ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦେବୀ ଯିଏ ମହାବଳି ଲାଗିବା ପରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ରକ୍ତମୁଖା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ତାଳଗୁଡ଼ ଗାଁ ଠୁଙ୍ଗି ଜଙ୍ଗଲ ପାଦଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ମା ଡୋକରୀ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା ଡୋକରୀ। ପ୍ରାୟ 1200 ଗଙ୍ଗବଂଶ ବାଲେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ଠୁଙ୍ଗି ଡଙ୍ଗ ରୂପରେ, ଆଉ ସେଠି ମା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା, ଡୋକରୀ ମା ହେଉଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ବଣର ଦେବୀ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମା ଡୋକରୀ ବୁଢ଼ୀର ଭରସାରେ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଯାହା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗ ହେଉ, ଯାହା ହାଇଜା ଫାଇଜା ଯାହା ବି ହେଲେ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ନେଇଯାଏସି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନିକଟସ୍ଥ ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ଗାଁରେ ଚାଷ ଜମିରେ କନ୍ଦମୂଳ ଖୋଳୁଥିବା ସମୟରେ ପଥରରେ କୋଦାଳ ବାଜି ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଜୟପାଟଣା ରାଜା ଓ ସେହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକକୁ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ। ମା ଡୋକରୀଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏହି ମନ୍ଦିର। ମହାପଶୁ ପଡ଼ିଥିସି, ତା ରକ୍ତ ଖାଇସି, ବାଘ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଏ ଚକ୍ଷୁ। ତାକେ 10 ଭାତ ଦିଆଯାଇଛି ବାଘକେ, ସକାଳେ ଦେଖି ଯାଇ ସବୁ ଭାତ କିଛି ନେଇ ଖାଏ ନା, ବାଘ ଖାଇଦେଇସି ସବୁ ଭାତ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଦେଖିଛ? ବାଘ ଦେଖିଛୁ। ଦଶହରା ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମହାବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମହାବଳି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏକ ଧଳା ଚାଦର ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକର ଆମପାଣି ବୁଢ଼ାରାଜା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମା। ବାଘ ଆସିକରି ଏସିନ ଆଉ ଯେନ୍ ବଲିଭାତ ଯେନ୍ଟା ପୋଡ଼ବୋଲି ମହାବଳି ପରେ ଯେନ୍ ବଲିଭାତ ଦିଆହେସି, ସେ ବଲିଭାତରେ ନେଇକି ବାଘ ଖାଇସି ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ଆଉ ପୂର୍ବତରେ ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ସେଟା ଦର୍ଶନ ବି କରିଛନ୍, ଦେଖିଛନ୍ ବି। କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୁଡ଼େ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପାଖେ ଯାଏସନ୍, ସେଠାରୁ ଦେଖିଛନ୍। ହଁ, ସବୁ ଦେଖିଛନ୍। ଯେତିକି ବେଲେ ପୋଡ଼ ପୂଜା ହେସି ସେତିକି ବେଲେ ବାଘ ବି ଆସନ୍, ରକ୍ତ ବି ଖାଇସନ୍। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 10 ଧରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେହି ବଳିର ଭାଗ ଖାଇବାକୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଆସୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୁହନ୍ତି। ଯେତିକିବେଳେ ମା ଡୋକରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଖାଇଥାନ୍ତି ମହାବଳି ପରେ, ସେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ପୁଣି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାର ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମା ଡୋକରୀ ମସ୍ତକ ବିହୀନ ଦେବୀ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଦଶହରା ପର୍ବ ବେଳେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମସ୍ତକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ।
ଏ ମସ୍ତକ ସ୍ଥାପନା ଜୟପାଟଣା ରାଜା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଏ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ତାଲଗୁଡ଼ ମା ଡୋକ୍ରି ପୀଠରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।